रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप स्टार्ट करने से पहले इसके लिए ऑपरेशन, बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन ये होना ज़रूरी है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, लेट जी बी अ सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज अ फंक्शन दैट असाइंस ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी एन एलिमेंट ऑफ जी। मीन्स के अगर कोई भी हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उसमें बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उस सेट में से हम कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, उनके ऊपर हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन कर लेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन उन दो एलिमेंट्स के ऊपर लगाएंगे, और फिर अगर उस बाइनरी ऑपरेशन के लगाने के बाद हमारा आंसर फिर जी का ही कोई एलिमेंट आ जाता है तो हम कहेंगे कि इसको हम बाइनरी ऑपरेशन का नाम देंगे और फिर हम कहेंगे कि ये सेट क्लोज है। यानी कि दो एलिमेंट्स लेंगे और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और आंसर हमारा दोबारा फिर उसी सेट में जाना चाहिए। जैसे उसने ये लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ जी। अब यहाँ पर देखें कि एग्जांपल उसने ली है सेट ऑफ इंटीजर्स की, 0 ± 1 ± 2 सो ऑन। वो कहता है कि ये अब यहाँ पर हम ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। अब चेक कर लें, यहाँ से कोई से हम दो एलिमेंट्स अगर उठाते हैं, उनको ऐड करते हैं या उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फिर कोई ना कोई हमारा एंटीजर ही आता है। यानी कि हमारा दोबारा कोई ना कोई सेट ऑफ एंटीजर में से ही आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 5 ± −100 कर लें तो ये आ गया −95, जो कि हमारा जेड में से फिर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है अंडर ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वाला ये एप्लीकेबल है। इसी तरह आप मल्टीप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। अब आइए ग्रुप की तरफ। ग्रुप क्या है? ग्रुप की डेफिनेशन है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली मल्टीप्लीकेशन। अक्सर हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे, एडिशन के अंडर भी हो सकता है, और इसी तरह से कोई हम बाइनरी ऑपरेशन खुद से डिफाइन कर लें तो उसके तहत भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली आमतौर पर हम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को डिस्कस किया करेंगे। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। वी से जी इज अ ग्रुप अंडर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है, हम कहेंगे कि इस डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर हमारा नॉन एम्प्टी सेट ये ग्रुप होगा अगर हमारी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली है एसोसिएटिविटी, यानी कि अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले कुछ आता लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टीज मीन वही है कि कोई से दो एलिमेंट्स लें, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो अगेन वो उसी सेट में जाना चाहिए जिससे हमने दो एलिमेंट्स लिए थे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, यानी कि आपका जो भी नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है वो क्लोज होना चाहिए। और नंबर दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन अगर मैं कोई से तीन एलिमेंट्स लेता हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू ग्रुप, देन ये हमारी प्रॉपर्टी। अगर मैं कहता हूँ ये स्टारिक हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, स्टारिक हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, अगर स्टारिक हमारा बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ए स्टारिक इंटू बी स्टारिक सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, लेफ्ट साइड अगर चेक करें तो इट्स मीन कि आप पहले बी और सी पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर लें, इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन से सॉल्व कर लें। राइट साइड पर है, और राइट साइड हमारी ये कहती है कि आप पहले फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर लें, इनको ऐड मल्टीप्लाई जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको थर्ड एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व कर लें तो लेफ्ट और राइट आंसर हमारा सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब हर ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए इसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हम बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो आंसर हमारा वही ग्रुप का एलिमेंट आना चाहिए।
आइडेंटिटी एक्चुअली होती क्या है? आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट जिसको मैं दूसरे एलिमेंट के साथ, ऐसा एलिमेंट जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, यानी मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं, तो हमारा आंसर वो दूसरा एलिमेंट ही आना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि वो आइडेंटिटी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में वन ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर हमारा वो दूसरा एलिमेंट ही आएगा। वन मल्टीप्लाई बाई फाइव मीन्स वन मल्टीप्लाई फाइव कर लें आप तो ये फाइव ही आना है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहती है कि हर ग्रुप में आपके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए सच दैट कि आइडेंटिटी को आप ग्रुप के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करो, कम्यूट भी कर जाएगी ये, यानी पहले लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर लो या राइट पे मल्टीप्लाई कर लो या अंडर बाइनरी ऑपरेशन सॉल्व कर लो, तो आपका आंसर अगेन वही एलिमेंट होना होना चाहिए जबकि ए हमारा जी का एलिमेंट है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है कि ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको मैं किसी दूसरे एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं तो आंसर मेरे पास आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर एडिशन का ऑपरेशन हम लेते हैं तो एडिशन के ऑपरेशन में -5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो इस वक्त वो एलिमेंट +5 है। तो +5 और -5 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रियल नंबर की बात कर लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट है, तो वो कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए, तो वो है 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। अच्छा, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम आगे इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। कैली टेबल को भी देखेंगे, उसमें भी हमें पता चलेगा कि हर इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर इस एक ग्रुप में ये प्रॉपर्टीज नॉन एम्प्टी सेट में बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम कह देंगे ये हमारा ग्रुप है। इसके बाद बात करते हैं अबिलियन ग्रुप की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का हो गया, इसको हम ज़रा लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास ए और बी ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप के और ए बी को मल्टीप्लाई कर लें या बी ए को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर में मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये ए बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जैसे 5 × 1/5 = 1, तो 5 और 1/5 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब इसके बाद बारी आती है अबिलियन ग्रुप की। अबिलियन ग्रुप में जस्ट एक प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा कि ऐसा ग्रुप ग्रुप को क्या होगा, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो उसके बाद फिर ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये है कि अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ चले सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें अंडर एडिशन 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, तो ये एक मैंने इंटीजर्स का सेट लिया है इनफाइनाइट। अब अगर इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स उठा लें आप अंडर एडिशन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ +5 ले लें -3 ले लें, तो आप +5 -3 कर लो या -3 + 5 कर लो, आगे पीछे कर लो, आंसर हमारा सेम ही आएगा, 2 आएगा। तो कुछ भी यानी कि वो आगे पीछे करने से हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको ज़रा डिफाइन करेंगे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू जी बी ए बी आर एन इफ ए बी आर एनी एलिमेंट्स ऑफ जी देन ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक ए। तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है किसी ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए तो उस ग्रुप को हम कहेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है। अब आगे हम कुछ चेक करेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेकर आएंगे जो ग्रुप हैं जिनमें
और कुछ इसकी काउंटर एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हाउ टू चेक दैट वेदर द गिवन सेट इज ग्रुप और नॉट। तो चलिए देखते हैं, अब एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं। पहले वो एग्जाम्पल है जो ग्रुप है, तो इसमें आप ले लें जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन आप ले लें। सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं तो ये सारे, तो ये अंडर एडिशन भी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन विदाउट ज़ीरो, ज़ीरो निकाल के फिर भी ये ग्रुप बन जाएगा। अंडर एडिशन है, इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने देखा है। सेट ऑफ अगर हम रैशनल नंबर्स को ले लें, ये अंडर एडिशन, जब अंडर एडिशन की बात करेंगे तो ज़ीरो इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, और जब अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ज़ीरो को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर उसको शामिल करते हैं तो फिर वो इनवर्स प्रॉपर्टी में फॉल्ट आता है, थर्ड प्रॉपर्टी में। जब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स फाइंड करेंगे तो ज़ीरो का इनवर्स नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो इसमें पहली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, चलो ये क्लोज भी है। क्लोज रियल नंबर किस तरह से है कि अगर रियल नंबर में से आप कोई नंबर उठा लें, फॉर एग्जांपल 2 कर लें प्लस 105 कर लें, तो 2 नंबर्स मैंने लिए, इनको ऐड किया तो आंसर मेरे पास आया 107। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, अंडर एडिशन आंसर भी हमारा को एक रियल नंबर ही आया है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक की जा सकती है, यू कैन सॉल्व इट बाय सेल्फ। अब इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को भी हम चेक कर सकते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो चले मैं थोड़ा सा लिख लूँ, आर माइनस ज़ीरो, ये सेट आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। इसी तरह बाकी सेट्स अगर आप लेते हैं उसमें से जीरो निकाल देते हैं तो ये अंडर एडिशन ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, अंडर एडिशन है, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीजन और एनी अदर बाइनरी ऑपरेशन दैट यू हैव डिफाइन टू डिस्कस दिस प्रॉपर्टी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जो ग्रुप नहीं है उसके एग्जाम्पल देखते हैं, और वो ग्रुप क्यों नहीं है। जब भी हम चेक करेंगे कि कोई हमारा सेट देगा वो, और चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये ग्रुप की तीन चार प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। अगर कोई भी एक फेल हो जाती है तो आई कैन से गिवन सेट इज नॉट अ ग्रुप। अब एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं। चलें यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यहाँ पर देखते हैं इसको, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स विद वन। अब ये इसको देखते हैं ये ग्रुप क्यों नहीं है। अब प्रॉपर्टी हमने जैसे डिस्कस की है ना, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ही आ जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, और नंबर 3 में हमने कहा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिर नंबर 4 कहा था हमने कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो ग्रुप होगा वरना नहीं होगा। अब हम वन बाय वन चेक करते हैं, पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका सेट क्लोज होना चाहिए, यानी सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स लें, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो अगेन उसी सेट में आंसर जाना चाहिए। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर विद वन विद रिस्पेक्ट टू, चलिए विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये चेक करते हैं ग्रुप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रैशनल नंबर लेता हूँ, 2 रैशनल नंबर ले लें, कोई और ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल चलें 8 स्केयर रूट कर लें। अब देखते हैं कि अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप है या नहीं। अब 2 स्केयर रूट मल्टीप्लाई बाई 8 स्केयर रूट तो ये आ जाएगा 16 स्केयर रूट, 16 स्केयर रूट इज इक्वल टू 4, विच इज़ रैशनल, सो इट्स डजेंट बिलोंग टू दिस सेट,
दिस सेट, इसमें से ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने देखा कि फंक्शन हमारा ऑपरेशन ही क्लोज नहीं है, दो एलिमेंट्स लिए हैं इरेशनल, उनको हम मल्टीप्लाई किया तो आंसर एक रैशनल आ गया, हालांकि आंसर हमारा इरेशनल आना चाहिए था। तो इसलिए ये सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन नहीं बनता। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप की, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अबिलियन ग्रुप कौन से होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। नॉन अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप में चलें हम एक सेट को डिफाइन कर लेते हैं, मैं GL2R, और इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। ABCD यानी कि मैट्रिसेस हैं, और ABCD हमारे रियल्स नंबर होंगे, और AD-BC इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको पढ़ेंगे हम जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप हैविंग ऑर्डर, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप हैविंग ऑर्डर टू एंट्रीज फ्रॉम आर। तो यानी कि ये मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2 by 2 है, एंट्रीज हमारे रियल नंबर होंगी, और डिटरमिनेंट इसका मॉड 0 नहीं होगा। तो ये ऐसा सेट है जो हमारा ग्रुप तो है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन मैट्रिसेस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इफ आई से ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर 2 by 2 दैट हैव नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, देन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शुड नॉट बी होल्ड, बिकॉज ए इफ आई प्लेस ए फर्स्ट एंड बी सेकेंड ऑन द अदर साइड, बी फर्स्ट एंड ए सेकेंड, देन देयर आंसर विल बी डिफरेंट। सो द गिवन फंक्शन, द गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस इज अ ग्रुप बट इट्स नॉट अन अबिलियन ग्रुप, इट्स अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो इस तरह से हमारा ये अबिलियन ग्रुप नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। अब ये अबिलियन ग्रुप नहीं है लेकिन ग्रुप है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये क्लोज भी है। आप कोई से दो मैट्रिसेस ले लो, उनको अंडर आप अच्छा ये किस अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा ग्रुप नहीं है, सॉरी ग्रुप है लेकिन अबिलियन नहीं है। अब हम बात करते हैं, काउंटर एग्जांपल्स ले रहे हैं, यानी कि ऐसे सेट लेने की मैंने कोशिश की है जो ग्रुप नहीं बनते, ताकि हमें पता चल सके कि ग्रुप होता क्या है और ग्रुप ना होने का क्या सीन होता है। अब देखें पहली एग्जांपल, ये पहले डिस्कस हो चुकी है कि हमने कोई ऐसा सेट लिया है जिसमें 1 है या फिर इरेशनल नंबर्स हैं, 1 और x, वाइल x इज़ ए इरेशनल नंबर। तो ऐसा सेट जिसमें 1 है और या फिर इरेशनल नंबर है। अब हम आप मैंने इसको अरेंज किया है प्रॉपर्टी वाइज, जैसे हमने ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी यहाँ फेल हो जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ फेल हो जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ फेल हो जाएगी, और चौथी प्रॉपर्टी इस चौथी एग्जाम्पल में फेल हो जाएगी। इस तरह हर एक प्रॉपर्टी को हम देखते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कि हमारा ये ग्रुप नहीं है। अब ये इसमें पहले में आप देखें, एक्स इज इरेशनल, एक्स इरेशनल है, ले लेते हैं कोई इरेशनल नंबर। अब फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट है, कोई और कोई भी लिए जा सकते हैं जो इरेशनल नंबर हो। तो अगर एक दफ़ा भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन फेल हो गया तो इट्स मीन वो क्लोज नहीं होगा। अब इसको 2 स्क्वायर रूट दूसरा भी ले लेते हैं, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर आ जाता है 4 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये आ गया हमारा रैशनल, हालांकि ये इरेशनल होना चाहिए था, तो लिहाजा नॉट क्लोज। तो इसके ग्रुप ना होने की वजह क्या है कि हमारा नॉट क्लोज्ड, कि यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब कहता है जी विद सब्ट्रैक्शन, सेट ऑफ इंटीजर्स को ले रहा है और ऑपरेशन बाइनरी ले रहा है सब्ट्रैक्शन। तो कहता है सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं कि ये हमारा ग्रुप जी सेट ऑफ इंटीजर्स ये ग्रुप बनता है या नहीं। तो लेट्स ट्राई, इफ़ आई से फॉर एग्जाम्पल आई टेक एनी 3 इंटीजर्स, एनी 3 फॉर एग्जाम्पल सिंपल, आई से ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, यू कैन टेक एनी इंटीजर्स। सो वाट इज एसोसिएट, फर्स्ट प्रॉपर्टी
इज होल्ड, पहली प्रॉपर्टी यानी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप कोई से दो नंबर उठाएं उनको सब्ट्रैक्ट करें, आंसर हमारा अगेन सेम ही रहेगा। अब सेकंड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या कहती थी ये। अब चूंकि सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं बाय ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन लिखूंगा, तो इस तरह से ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं हमारा, अगर लेफ्ट राइट आंसर सेम आ जाता है तो फिर तो हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, ग्रुप बनने के चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब इसको लेट्स ट्राई, इसको वन रखता हूँ, वन माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू वन माइनस टू माइनस थ्री। अब लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आप चेक कर लें, लेफ्ट साइड पे आपके पास टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन, तो ये टू आ जाएगा ना, ये साइड टू बन रही है और यहाँ पर माइनस माइनस फोर बन है, तो एक साइड पे टू है एक साइड पे माइनस फोर है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, इसलिए जी अंडर सब्ट्रैक्शन हमारा ग्रुप नहीं है। ग्रुप ना होने की वजह क्या है कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फेल हो रही है। अब देखते हैं थर्ड वन, नॉट अ ग्रुप। अब ये मैंने एक सेट लिया है, आप कोई और सा भी ले सकते हैं। अंडर मल्टीप्लीकेशन इसको डिस्कस करेंगे और मॉड लेंगे सेवन, मॉड्यूलो सेवन। ये क्या होता है, यानी कि जैसे ही हमारा इन इस एक्स के मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, जैसे ही आंसर हमारा सेवन से आगे जाएगा तो उस सेवन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हम यहाँ लेकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर, तो ये आएगा 24, अब इसको सेवन से डिवाइड कर देंगे तो ये सेवन 21, तो ये थ्री रिमाइंडर बचेगा हमारा। तो वैसे भी ये तो क्लोज ही नहीं है, ये ग्रुप ही नहीं है, लेकिन हम चूँकि अपनी इस डिस्कशन को सेकंड प्रॉपर्टी में लेकर जा रहे हैं, थर्ड में सॉरी। तो यहाँ क्या है, पहली एसोसिएटिव हो गई थी, उसके बाद हमारा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन एट सेट्स के लिए हमारी आइडेंटिटी वन होती है, तो वन डजेंट बिलोंग टू एक्स, सो आई कैन से दैट द गिवन सेट इज नॉट अ ग्रुप। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं हम, नॉट अ ग्रुप एज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री मॉड्यूलो फोर अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसको चेक करते हैं, इट्स मीन अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अब अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ आप देख लें अंडर मल्टीप्लीकेशन पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्लोजर भी है, क्लोज है, कोई से दो एलिमेंट्स लें उनको मल्टीप्लाई करें, अगेन आंसर इसी में जाएगा अंडर मॉड्यूलो फोर। या जस्ट थ्री टू सिक्स है, थ्री टू को मल्टीप्लाई किया सिक्स आया, तो सिक्स को मैंने फोर से डिवाइड कर दिया, ये आंसर टू, तो टू अगेन इसमें आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्लोज भी है और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, चेक कर लीजिएगा। और थर्ड वन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो भी एग्जिस्ट कर रही है। और इसके बाद आखिरी आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना, वो यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा, फेल हो रहा है। बिकॉज अब जीरो को ही देख लें, अब जीरो का ये तो होगा तो ये तो अनडिफाइन होता है, जीरो का तो ये बनेगा ना अंडर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो ये अनडिफाइन है, तो इसका मतलब है जीरो का कोई भी हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह हमारे पास टू का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये हमारी एग्जांपल नॉट अ ग्रुप के लिए वैलिड है, यानी कि ये ग्रुप नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल्स। अब यहाँ आ रहे हैं आप, यहाँ है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड रिलेटिव प्राइम टू एन, ये है यू एन। यू एन को वो डिफाइन करता है कि आपने ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो एन से छोटे हों लेकिन एन से रिलेटिव प्राइम हो, यानी एन और वो नंबर जो हम इस सेट में लेंगे इनका इनमें से कॉमन कुछ ना आता हो, इनका जीसीडी वन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा वन होना चाहिए। तो इसको हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यू, यहाँ कर लेते हैं एट, कोई भी लिया जा सकता है। अब वो नंबर जो इसके साथ रिलेटिव प्राइम है वो वन है, टू नहीं आएगा, टू डिवाइड करता है इसको, थ्री आ जाएगा, फोर नहीं आएगा कॉमन आ रहा है, फाइव आ जाएगा, सिक्स नहीं आएगा, सिक्स और एट इसमें टू कॉमन है, और सेवन आ जाएगा, तो ये हमारा है यू एट। मॉड
मोड हमारा यहाँ है 8। अब यहाँ देखें कि ये इसमें 4 एलिमेंट्स है तो ग्रुप का ऑर्डर भी 4 होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ ऑर्डर और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में का क्या रिलेशन है, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अब U8 ये ले लिया हमने, अब इसका एक बना लेते हैं। कैली टेबल भी बनाना हम अभी सीखते हैं। कैली टेबल बनाने के लिए ये देखें, अब यहाँ पर आप लिख लें, चल एक और बना लें, यहाँ पर लिख लेते हैं, चल मल्टीप्लिकेशन है अंदर, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा नीचे इस तरफ भी बना लेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 1, ये मल्टीप्लिकेशन है, 1 3 5 7, 1 3 5 और यहाँ 7, 1 से 1 1 3 5 7, तो 3 को 1 से 3, 3 3 9, 9 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 8 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 3 7 टाइम्स 21, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 5। इसी तरह 5 1 द 5, 5 3 द 15, 7 आ जाएगा 5 5 24, 1 आ जाएगा, 25 है ना तो 21 रह जाएगा, 5 7 35 तो यहाँ 3 रह जाएगा। तो ये कैले टेबल बना लिया हमने, और यू एन ये जितने भी आप इस तरह के सेटअप बना लोगे सारे के सारे हमारे अभिन्न ग्रुप होंगे। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये हमारा सेट है ऐसा, यू एन ऐसा ढेर सारे बन सकते हैं, ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, एन से लेस है, एन से रिलेटिव प्राइम है। तो ये सारे के सारे हमारे सेट जितने भी बनेंगे अंडर मॉड्यूलो एन तो वो हमारे ग्रुप होंगे और साथ ही साथ अबेलियन ग्रुप भी होंगे। अब इसके बाद करते हैं, द सेट एन इज अ ग्रुप अंडर मॉड एन इफ एंड ओनली एन इज प्राइम अंडर मल्टीप्लीकेशन। अंडर मल्टीप्लीकेशन अब ये वाला सेट जिसमें हमारे इंटीजर्स ही हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। अगर एन प्राइम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, एक एक सेट में लेता हूँ, यहाँ पर एन हमने प्राइम लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 2 3 4, इसको चले सेट 1 कर ले, 1 2 3 4 5 6, 5 6 और 0 भी, 0 शामिल नहीं करेंगे, और जी 2 करने यहाँ पर कोई, 1 2 3। अब यहाँ पर n माइनस 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा होगा 4 माइनस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तभी यहाँ 3 आया। और यहाँ n माइनस ये 6 है तो इट्स मीन यहाँ n हमारे पास 7 होगा। अब ये 7 क्या है, प्राइम है, तो Z1 हमारा ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका कैले टेबल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इसको हम चेक करेंगे तो एन यहाँ इज इक्वल टू 4 है, 4 है हमारे पास प्राइम नहीं है तो ये हमारा ग्रुप नहीं बनेगा जी। अब इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक और मैं इसी तरह टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर किसी को समझ ना आए, कहीं से पता ना चला हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।